हेलो दोस्तों, वेलकम टू गे फ्लिक। मैं हूं संदीप और आज का जो वीडियो बन रहा है काफ़ी रैंडमली बन रहा है बिकॉज मैंने ये वीडियो आज शूट करने का प्लान बिल्कुल नहीं बनाया था। हालांकि प्रोडक्ट मेरे पास काफ़ी दिनों से आया हुआ था बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट और मेरे जो ट्रैवल चल रहा था उसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी डिले हो गया। ये प्रोडक्ट के बारे में आपको थंबनेल से पता तो चल गया होगा बट जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ ये प्रोडक्ट उस सिचुएशन में कितना आपके लिए हेल्पफुल है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये गाड़ी 20-25 दिनों से अपने गैराज में खड़ी करके रखी हुई थी और उसकी वजह से शायद मेरा जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा डिफ्लेट हुआ है। दिखने में शायद आपको इतना ज़्यादा ना दिख रहा हो बट मुझे स्टीयर करते वक्त महसूस हो रहा है कि स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हो चुका है और आई कैन सेंस कि टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब शुरू से मेरी आदत रही है कि हमेशा मैं अपने व्हीकल में टायर इन्फ्लेटर हमेशा रखता हूँ जब भी मैं लॉन्ग जर्नी पे जाता हूँ। अब चूँकि ये फोर व्हीलर है तो इसमें मेरा टायर इन्फ्लेटर हमेशा मेरे साथ रहता है और इस बार जो टायर इन्फ्लेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है अगारो का। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी हैंडी है। तो चलिए टायर इन्फ्लेटर को इस बैग से निकालते हैं और यूज़ करते हैं इसको टायर को इन्फ्लेट करने में। अब ये अगारो का जो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है इसका मॉडल है TI2157। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा, काफ़ी स्टर्डी लगा मुझे दिखने में अभी तक। अब इसको यूज़ करके देखना है कि इसका आउटपुट कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है। अगर इसकी मैं थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करूं तो इसका जो मोटर है वो 120 वॉट का एक पावरफुल मोटर आपको मिलेगा इसमें, जिसमें आप 150 PSI तक टायर प्रेशर भर सकते हैं। काफ़ी पोर्टेबल है और साथ में ये आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ। अब इस टायर इन्फ्लेटर के साथ आपको दो केबल मिलेंगे, AC और DC। ये काफ़ी यूनिक है बिकॉज ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो व्हीकल के जो टायर इन्फ्लेटर हैं उसमें आपको DC केबल या DC वोल्टेज के लिए जो केबल यूज़ होता है उसका आपको केबल मिलता है जो आपके 12 वोल्ट के सॉकेट में लगता है। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए भी एक केबल मिलेगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि आपको बच्चों के कुछ स्पोर्ट्स आइटम में हवा इन्फ्लेट करनी हो, फुटबॉल हो गया, बाइसिकल्स हो गई हो, और अगर कभी बर्थडे पार्टी में बलून्स भी अगर आपको इन्फ्लेट करना हो तो भी आप इसको घर ले जाके आराम से इसका यूसेज कर सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक बना देता है इस प्रोडक्ट को बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंट केबल्स। अब इस प्रोडक्ट की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड है, पर जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये पाइप प्लास्टिक का होने की वजह से काफ़ी गर्म हो जाता है तो आप इसको पकड़ नहीं पाते हैं। बट दिस बीइंग इंसुलेटेड आप इसको काफ़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं और आपके यूसेज में आपको ये काफ़ी कंफर्ट देगा। इस बैग में आपको इस प्रोडक्ट का मैनुअल भी मिल जाएगा जो मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बट हाँ प्रैक्टिकल यूसेज करके डेफिनेटली बताऊँगा। और साथ ही साथ इसमें आपको इसका एक वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा। 1 ईयर का वारंटी इसमें ऑलरेडी बॉक्स में मेंशन है और इसको शायद आप इसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यस, सो यू कैन एक्सटेंड दिस वारंटी फॉर अनदर 6 मंथ। तो चलिए अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए और जल्दी से अपनी गाड़ी को इन्फ्लेट किया जाए। अभी आप देख सकते हैं कि जो टायर प्रेशर है काफ़ी कम लग रहा है। ये देखिए, इसको दबाने से ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम है और जब मैं स्टेयर कर रहा था व्हीकल को तब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही थी। अब किसी भी टायर इन्फ्लेटर को यूज़ करने से पहले जब आप व्हीकल में यूज़ करते हैं तो हमेशा अपने व्हीकल को स्टार्ट कर लीजिए, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो। व्हीकल शुड बी ऑलवेज़ ऑन वायर इन्फ्लेटिंग और वाइल यूजिंग योर टायर इन्फ्लेटर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट में इस केबल को लगा रखा है, इसका जो सॉकेट है इसको मैंने उसमें इंसर्ट कर रखा है और केबल कनेक्टेड है आपके टायर इन्फ्लेटर पे। अब मुझे जो करना है वो ये है कि इसका जो नोज़ल है
इसको फिट करना है इसमें, और ये सब मैं एक हाथ से कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको हवा निकलने की आवाज़ आएगी, बट दैट इज़ फाइन। और इसको इस तरीके से इसको लॉक कर दिया जाए। सी हाउ कन्वीनियंट दिस इज़। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो अभी करंट प्रेशर मेरे को दिख रहा है वो है 19.5, और जो टारगेट प्रेशर मुझे सेट करना है वो है 35, बिकॉज जो ट्राइबर का जो टायर प्रेशर है जो आगे इसमें मेंशन किया जाता है डोर में वो है 35, और अभी जो टायर प्रेशर इसमें दिखा रहा है वो 19.5। इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि मुझे जो स्टीयरिंग है काफ़ी हैवी लग रहा था। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं आर बटन, इससे आप डिफरेंट यूनिट सेट कर सकते हैं। अभी ये है केजी पर सेंटीमीटर, मुझे चाहिए PSI पे। 19.5 टू 20 का अभी इसमें प्रेशर है, और जो मैंने टायर प्रेशर सेट करना है वो है 35। और मैं वापस इसको अगर पावर बटन को दबाता हूँ तो ये चालू हो जाएगा। अब जैसा कि इसमें मेंशन किया गया था कि 35 पे अपने आप कट ऑफ हो जाएगा जैसा, और देखिए कि ये 35 पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और वापस इसको बंद कर दिया जाए, एंड वी आर गुड टू गो। तो अभी आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मैंने 35 सेट किया था, अपने आप ऑटो कट ऑफ हो गया 35 पे, एंड आई एम गुड टू गो। अब इसमें एक चीज़ और आपको यूटिलिटी के लिए मिल सकता है, वो है LED लाइट। अब यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और है जो इस प्रोडक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, वो इसका LED लैंप। रात में कई बार होता है जब हम बाहर निकलते हैं इस टाइप की सिचुएशन में, जब हमें नॉब जो है क्लियरली विजिबल नहीं होता है, हमारे हाथ ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑलरेडी, तो हम मोबाइल वगैरह भी हाथ में हैंडी नहीं रख पाते हैं, तो उस सिचुएशन में इस लाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए आपको ये जो R का बटन है इसको थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, और ये लाइट जल जाती है। इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और जिस तरीके से आप इसमें नंबर ऑफ़ LEDs देख सकते हैं, आई एम श्योर रात में इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में आप अच्छे खासे इसका यूसेज कर सकते हैं रात में। अब एक चीज़ और जो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ वो है, इसका जो बेस है वो रबर माउंट है इसमें। ये जब आप इसको फ्लैट सरफेस पे ऐसे किसी में रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा अपनी जगह से हिलता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रबर माउंट। ये रबर इस वाइब्रेशन को सोक कर लेते हैं, और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप रोड पे इस प्रोडक्ट को रखेंगे, केवल अगर आप केवल इसको ऐसे ही रखते तो शायद ये वाइब्रेट होता, अपनी जगह से हिलता, बट बिकॉज ऑफ दिस रबर माउंट ये अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल रहता है, और जितना भी एब्जॉर्बशन है और जितना भी वो वाइब्रेशन है वो इस रबर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपका काम और या यूसेज ख़त्म हो जाए तो आप इसको इस हैंडल से उठा सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो लुक एंड फील है इस प्रोडक्ट का काफ़ी स्लीक है, काफ़ी डिज़ाइन इसका इम्प्रेसिव है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एंड वेरी यूज़फुल एज वेल। तो आई होप आप लोगों को इस प्रोडक्ट ने इम्प्रेस किया हो। मैं तो इस अगारो के प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में इस अगारो के टायर इन्फ्लेटर ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी, और इसकी वजह से मैं अब अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।